अयोध्या में प्रकट हुआ पुष्पक विमान। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जब भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में साक्षात पुष्पक विमान प्रकट हुआ और राम मंदिर के काम कर रहे मजदूरों पर क्या असर हुआ? 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने अपनी आंखों देखी कहे हैं। आप भी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के अवसर पर पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। महिलाएं, बच्चे, सभी लोग घर घर जाकर निमंत्रण दे रहे हैं। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी बड़े जोर शोर से की जा रही है। इस कार्यक्रम को बेहद सुंदर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसमें लगभग 90% कार्य हो चुका है और अभी कुछ खंभों पर कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 10 जनवरी की रात ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी मजदूरों के होश उड़ गए। जब रात्रि के समय सभी मजदूर अपना काम निपटा कर अपने तंबू में सो रहे थे, उसी समय वहाँ कुछ अचानक से हलचल महसूस हुई। वहाँ के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। हिम्मत करके वह मजदूर राम मंदिर के परिसर में पहुंचा तो वहां का नज़ारा बहुत चौंकाने वाला था। दोस्तों, वैसे उस मजदूर का नाम सुरेश था। जब सुरेश वहां पहुंचा तो उसे एक दिव्य चमत्कारी विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर के समान था। दिखने में काफ़ी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर के पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतनी दिव्य चमक थी कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में ऐसा आ रहा था कि साक्षात भगवान श्री राम पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या में उतर रहे हो। सुरेश ने यह चमत्कार जब अपनी आंखों से देखा तो वह बेहोश हो गया, क्योंकि वो उसके तेज को सह नहीं पाया। जब सुरेश सुबह उठा तो वह उसी स्थान पर मौजूद था और उसके साथी मंदिर निर्माण कार्य के लिए जा रहे थे। उसने सभी को रोककर रात्रि की घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। ये उसका सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दर्शन करने को मिला, जहाँ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रकट हुआ पुष्पक विमान। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि देश के अलग अलग हिस्से में कई आकृति के विमान देखने को मिले हैं, जिनका संबंध कई बार एलियन के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। यानी कि वास्तव में उस रात्रि को पुष्पक विमान का नजर आना शायद भगवान श्री राम के आने का संकेत हो सकता है। लेकिन क्या ये सचमुच में पुष्पक विमान है? इसकी क्या गारंटी है? इसे जानने के लिए हमें पुष्पक विमान के बारे में अच्छे से जानकर समझना होगा। दोस्तों, पुष्पक विमान की सारी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।